बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज़ नेफ्रॉन, एंड इन दिस पैराग्राफ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। दीज थ्री आर द फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन: फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। उसके बाद हम लोग जो है कंसनट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है उनकी कंसनट्रेशन, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक पे आप सब लोगों ने ये ज़रूर करनी है। ये है अ नेफ्रॉन विद वेस्कुलर सप्लाई। इसका पेपर में अलग से क्वेश्चन भी आ जाता होता है, ड्रा नेफ्रॉन विद वेस्कुलर सप्लाई, तो आप लोगों ने ये वाली डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। उसके बाद इसमें हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये एक मैकेनिज्म है, इसको हम देखेंगे ये क्या है। उसके बाद हम लोग हार्मोनल मैकेनिज्म, ये हार्मोन है कि कौन से हार्मोन जो हैं वो कंट्रोल करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं किस टाइप के बने हैं, कंसनट्रेटेड बनेगा, डाइल्यूट बनेगा, यूरिन जो है उसकी उसको हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि कौन कौन सा हार्मोन इस चीज़ को कंट्रोल करता है। उसके बाद किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, ये किडनी आपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे भी पढ़ा है और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी पढ़ा है, ये हमारा आज का लेक्चर होगा। तो सबसे पहले है नेफ्रॉन। द फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन इन द किडनीज आर अरेंज्ड अलोंग द डिस्टिंक्ट रीजन्स दैट इज़ कॉर्टेक्स एंड मेडोला। आपको बताया था नेफ्रॉन जो है वो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और एक किडनी में मिलियंस होते हैं नेफ्रॉन, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन जो है या तो किडनी में कॉर्टेक्स की पोजीशन पे अरेंज होंगे या मेडुला। कॉर्टेक्स जो है वो किडनी का बेरोनी, किडनी की डायग्राम आपकी बुक में है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कॉर्टेक्स कौन से वाला पोर्शन है और मेडुला कौन से वाला पोर्शन है। ये वाली डायग्राम अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये जो आउटर मोस्ट रीजन है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स वाला होगा, और जो इनर रीजन है वो क्या होगा, मेडुला का होगा। तो या तो कॉर्टेक्स पे होंगे अरेंज नेफ्रॉन तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएंगे, और जो मेडुला और कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे होंगे वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, नेफ्रॉन जो है वो दो टाइप के होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स अरेंज अलोंग द कॉर्टेक्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स विच आर अरेंज अलॉन्ग द बॉर्डर्स ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला विद देयर ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इन इनर मेडुला आर कॉल्ड जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स आर स्पेशली इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। ये वाले जो नेफ्रॉन है जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और यूरिन कंसनट्रेटेड कब होगा, जब उसमें से मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी वाटर वगैरह, वाटर और सॉल्ट्स की और आयंस की मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी। जब रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो तब जो है यूरिन क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेफ्रॉन का। इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म्स कप शेप्ड स्वेलिंग कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल। हर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इसका मैं आपको दिखाती जाती हूँ साथ साथ। नेफ्रॉन का इनर एंड फॉर्म अ कप शेप्ड स्वेलिंग कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल एंड इट इज़ अरेंज्ड अराउंड अ बॉल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये आपका नेफ्रॉन है, बुक में भी आपके बना होगा नेफ्रॉन विद वेस्कुलर सप्लाई ड्रा किया हुआ है। ये वाली जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ये कप टाइप बना हुआ है, ये कहलाता है वुमेन कैप्सूल। इसके अंदर ये कैपिलरीज का जाल है जो कि क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसके बाद कैपिलरीज के जाल के बाद कन्वर्टेड का मतलब है तय दर तय बलदार, बलदार ट्यूब्यूल्स हैं जो क्या कहला रही हैं, डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये आपकी बुक में कंप्लीट ड्राइंग दी हुई है। उसके बाद जो एंड वाला कन्वर्टेड जो है बलदार जो ट्यूब्यूल हैं वो क्या कहलाएंगे, डिस्टल। शुरू वाली जो बलदार ट्यूब्यूल हैं वो कहलाएंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, बाद वाली जो हैं बलदार ट्यूब्यूल वो कहलाएंगे डिस्टल ट्यूब्यूल, और इन दोनों ट्यूब्यूल्स के ऊपर भी कैपिलरीज जो हैं वो ऊपर ट्यूब्यूल, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो ये मैंने ब्लैक कलर में शो किया हुआ है, शायद आपको पता चल रहा हो, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो इस वाले के ऊपर भी जो है वो चढ़ा होगा, ये कहलाएंगी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ये कैपिलरीज, एक कैपिलरीज ग्लोमेरुलस ही वो अलग है, एक कैपिलरीज जो है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती हैं जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के ऊपर चढ़ी हुई होंगी। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब यानी नीचे आने वाला रास्ता, असेंडिंग लिम्ब ऊपर जाने वाला रास्ता। ठीक है, तो सबसे पहले वुमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल।
ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अगर मिलियन नेफ्रॉन है किडनी में तो मिलियन के मिलियन नेफ्रॉन का यही स्ट्रक्चर जो है वो होगा। अच्छा, कप शेप स्वेलिंग कॉल्ड वुमेन कैप्सूल एंड इट इज़ अरेंज अ बॉल ऑफ कैपिलरीज अराउंड अ बॉल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस सर्कुलेट ब्लड थ्रू कैप्सूल। कैप्सूल कौन सा है? वुमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जो है वो वुमेन कैप्सूल में ब्लड की सर्कुलेशन करवाएगा एज इट अराइव्स थ्रू। ब्लड की बात हो रही है, जैसे ब्लड एफेरेंट आर्ट्रियोल से आएगा और एफेरेंट आर्ट्रियोल से कैप्सूल में से निकलेगा। ग्लोमेरुलस जो है वो कैप्सूल में ब्लड की सप्लाई करेगा और ब्लड आएगा कहाँ से? एफेरेंट आर्ट्रियोल जो है वो कैप्सूल में ब्लड लेके आएंगे और एफेरेंट आर्ट्रियोल कैप्सूल से ब्लड लेके जाएंगी। उसके बाद देखिए ब्लड वेसल्स अगेन सब डिवाइड। एफेरेंट और एफेरेंट आर्ट्रियोल जो थी वो डिवाइड होकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना रही हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मैंने आपको दिखाई थी, वो उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। वुमेन कैप्सूल कंटिन्यूज एज एक्सटेंसिवली कन्वर्टेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। वुमेन कैप्सूल आगे बढ़ के मजीद कौन से पार्ट में डिवाइड होता जाता है? ये वुमेन कैप्सूल है, ये कंटिन्यू हो रहा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फेनले, डिस्ट्रल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। वुमेन कैप्सूल कंटिन्यूज एज एक्सटेंसिवली कन्वर्टेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्ट्रल ट्यूब्यूल विच एम्प्टीज इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो अल्टीमेटली यूरिन जो है वो किस में निकाल देंगे? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। यानी एक किडनी में तकरीबन लाखों के करीब जो है वो नेफ्रॉन है और एक दफ़ा जब ब्लड जो है वो बीट करेगा, हार्ट बीट करेगा तो तकरीबन आपने पढ़ा था कि कितने परसेंट उसमें आ रहा है ब्लड? 60% या 80% ब्लड था जो कि आ रहा है किडनीज में। ठीक है, वो ब्लड आएगा और वो हर नेफ्रॉन में जाकर डिवाइड हो जाएगा, हर नेफ्रॉन के इन सब पार्ट में से गुजरता हुआ। ठीक है, और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा से ब्लड में शामिल कर दी जाएंगी और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो यूरिन की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये किडनी का काम है। डिस्ट्रल ट्यूब्यूल विच एम्प्टीज इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू पेल्विस। अब हर नेफ्रॉन की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है, पेल्विस भी किडनी का एक पार्ट है। आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में जो है वो पढ़ा था पेल्विस किडनी का कौन से वाला पार्ट है। ये किडनी की फिगर जो आपकी बुक में ड्रा की हुई है उसके अंदर दिया हुआ है। फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस पासिस थ्रू दीज स्ट्रक्चर्स एंड इज प्रोसेस्ड अल्टीमेटली फॉर यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इंटरमिंगल विद प्रॉक्सिमल एंड डिस्ट्रल ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, पेरिट्यूबल कैपिलरीज जो हैं वो इंटरमिंगल यानी साथ मिक्स हुई होती हैं, डिस्ट्रल मिक्स हुई हुई हैं। इंटरमिंगल का मतलब ये इस तरह से ऊपर चढ़ी हुई हैं, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये डिस्ट्रल ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के साथ इंटरमिंगल हुई हुई हैं, उनके ऊपर चढ़ी हुई हैं अच्छी तरह से। ये जो भी आज हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो आपकी इस वाली डायग्राम में शो हो रहा है। आपने ये डायग्राम सामने रख के ये स्ट्रक्चर पढ़ना है इसका। इन जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन एडिशनल कैपिलरीज एक्सटेंड डाउन फ्रॉम टू फॉर्म अ लूप ऑफ वेसल्स वेजा रेक्टा। ठीक है, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में एक और कैपिलरीज का एडिशनल कैपिलरीज होंगी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अलावा, और वो कौन सी होंगी? वेजा रेक्टा, वो वेजा रेक्टा कहलाएंगी। फिगर में दी हुई है वेजा रेक्टा। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे नेफ्रॉन का, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है ब्लड पासिस थ्रू द ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू वुमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस में ब्लड एंटर होगा, हर नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में ब्लड जाएगा और वो उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर जैसे फिल्टर पेपर से फिल्टर होती है कोई चीज़, वैसे ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड को फिल्टर करेगा और ब्लड फिल्टर होकर वुमेन कैप्सूल में आ जाएगा। इट इज़ ब्लड, इट जो है ये ब्लड के लिखा गया, इट इज़ स्पेसिफिकली फिल्टर्ड हेयर बाई ग्लोमेरुलस वॉल्स बिकॉज ग्लोमेरुलस वॉल्स आर पोरस। पोरस होंगी, मुसामदार होंगी, यानी उनमें सुराख होंगे ग्लोमेरुलस की वाल में, इसलिए ब्लड जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। एंड फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड्स फिल्ट्रेशन प्रेशर। और जो ब्लड प्रेशर वहाँ पे आएगा वो फिल्ट्रेशन प्रेशर प्रोवाइड करेगा। द फिल्ट्रेट अपियरिंग इन वुमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विच कॉन्टेन्स न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स एंड साल्ट एक्सेट्रा इन एक्वस सोल्यूशन।
यानी जो ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर हो रहा है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होंगे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट एक्सेट्रा, ये सारे उसमें पाए जाएंगे उस ब्लड में। रीअब्जॉर्प्शन, ऑल यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो पहले वाली बलदार ट्यूब्यूल आ रही हैं वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स कहला रही हैं। जितने भी यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल तक पहुँचते पहुँचते रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से जब वो फिल्ट्रेट निकलता है, अब हम उसको ब्लड नहीं कह रहे क्योंकि वो उस ब्लड जो था वो वापस शामिल कर दिया गया है, साफ करके ब्लड को वापस कैपिलरीज में भेज दिया गया है। अब जो किडनी के हर नेफ्रॉन के अंदर जाएगा उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे, यानी जो ब्लड को फिल्टर करके उसमें से जितने भी वेस्ट वगैरह मटेरियल निकले हैं वो इस फिल्ट्रेट में शामिल है। उस फिल्ट्रेट में अगर मजीद कोई इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रह गया है तो वो भी रीअब्जॉर्ब होता जाएगा जैसे जैसे वो नेफ्रॉन में आगे की तरफ को पास करेगा। लेकिन अब उसको हम ब्लड नहीं कह रहे हैं, उसको हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं। मोस्टली कॉन्टेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्ट्रेट, जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से भी आगे को आ जाता है लूपा फैनले की तरफ, उसमें मोस्टली कह रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। सिक्रीशन, द ट्यूब्यूलर एपिथीलियम आल्सो सिक्रीट सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमन। दिस सिक्रीशन इज़ वेरी सिलेक्टिव एंड इज मेनली ऑफ हाइड्रोजन आयन बैलेंस टू बैलेंस पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू द ट्यूब्यूल्स। सिक्रीशन होती है हाइड्रोजन आयन की, मोस्टली सिक्रीशन होती है फिल्ट्रेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसकी जो फिल्ट्रेट है उसकी पीएच को जो है वो मेंटेन रखा जा सके। जब तक वो बॉडी के अंदर है उसकी पीएच को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, जब बॉडी से उसको निकालना होगा उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपने ये ड्रा और नेफ्रॉन विद वेस्कुलर सप्लाई, ये वेस्कुलर सप्लाई के साथ नेफ्रॉन है, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है इसमें क्या क्या होता है। ये है ग्लोबोमेन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में ब्लड आएगा एफेरेंट आर्टियोल के लिए और लीव करेगा इफेरेंट आर्टियोल के लिए, ठीक है। उसके बाद ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है वो फिल्टर होके, उसके बाद फिल्टर हो जाएगा तो ब्लड वापस भेज दिया जाएगा और जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा। फिल्ट्रेट सबसे पहले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाएगा, वहाँ पे उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद लूप ऑफ हैनले में जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रल ट्यूब्यूल में जाएगा और उसके बाद जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आ जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मेरा ख्याल है कि ये हम लोग कल वाले लेक्चर में ही करेंगे, यहाँ तक ये आज वाला एक कम्प्लीट टॉपिक हो रहा है, इसको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। स्टूडेंट्स, आपका आज का जो होमवर्क होगा वो यूरिनरी सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूरिनरी सिस्टम से और यहाँ तक आपने याद करना होगा ये, और इसमें ये वाली डायग्राम आपकी आज वाले लेक्चर की जो है वो इंक्लूड होगी। ये डायग्राम अच्छी तरह से आप लोगों ने लेबल करके ड्रा करनी है, ज़ुबानी हर स्टूडेंट को ये आनी चाहिए ड्रा करनी। उम्मीद है कि आप लेक्चर को अच्छी तरह से तैयार करेंगे और इस ये आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने इससे रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन है वो मेरे से कर लेना है।